हेलो स्टूडेंट, आई सेल्फ नरेंद्र कुमार अगेन फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेरियस टाइप के जो ट्रैंक्यूलाइजर्स हैं उनके बारे में बात किया था। ये वही न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी हम करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड है हमारे पास में वो है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स तो बड़े इंपॉर्ट इजी से है। एनाल्जेसिक्स रिड्यूस और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एनाल्जेसिक बेसिकली पेन रिलीवर का काम करता है, लेकिन ये जब पेन रिलीवर का काम करेगा तो किसी भी टाइप का जो है मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई पैरालिटिक एक्टिविटी हम फील नहीं करेंगे, किसी भी टाइप का इनकोऑर्डिनेशन जो है हम फील नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप के एनाल्जेसिक्स होते हैं जो नार्कोटिक्स टाइप के होते हैं, उनके अंदर वो जब हम ले लेते हैं तो वो पेन तो रिलीव कर देते हैं बट साथ साथ में मेंटल कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है ना। कुछ जो है हमारी बॉडी के एक्शन के अंदर पैरालिटिक एक्टिविटी डेवलप हो जाते हैं, हम ढीले ढाले से हो जाते हैं इस चीज के लिए। तो ये एनाल्जेसिक्स बेसिकली रिड्यूस और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग एनी मेंटल कंफ्यूजन और इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो ये बेसिकली हमारा जो है किसी भी टाइप नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं ये एनाल्जेसिक। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक्स है उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। तो ये वही होंगे जो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनका कोई एडिक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी जो कैटेगरी है वो नार्कोटिक टाइप की ड्रग्स होंगी, नार्कोटिक टाइप के एनाल्जेसिक्स होंगे जो नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेंगे, उनका एक एडिक्टिव इफेक्ट होगा, एडिक्शन डेवलप हो जाएगा उनके लिए। सो पहले हम देख लेते हैं कि नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक वेल नोन कंपाउंड है एस्प्रिन, जिसका प्रिपरेशन भी करते हैं हम फिनॉल के चैप्टर में। सो एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल एंड आइब्यूप्रोफेन बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ नॉन नार्कोटिक टाइप एनाल्जेसिक, नॉन एडिक्टिव टाइप एनाल्जेसिक्स। तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आइब्यूप्रोफेन का है। तो आइब्यूप्रोफेन को अगर आप देखोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेकंड जो है हमारा एस्प्रिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एस्प्रिन एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड है, ये ढंग से टाइप नहीं हो रखा है यहाँ पे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हम कहेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एसिड। सो आइब्यूप्रोफेन एक एसिड है, एस्प्रिन एक एसिड है और ये पैरासिटामोल जो है वो एक फिनोलिक अमाइड है, पैरासिटामोल एक फिनोलिक अमाइड है। हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। एस्प्रिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक है, सो एस्प्रिन इज द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल। एस्प्रिन बेसिकली क्या करता है, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टेग्लैंडिंस। ये प्रोस्टेग्लैंडिंस जो टाइप के कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट करते हैं और ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है टिश्यूज के अंदर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन इन द बॉडी एंड मसल्स एटसेट्रा। तो एस्प्रिन बेसिकली जो प्रोस्टेग्लैंडिस है इन पर अटैक करेगा और ये जो इन्फ्लेमेशन है पेन है ये खत्म हो जाता है। दीज ड्रग्स हैव मैनी अदर इफेक्ट्स, एस्प्रिन स्पेशली एस्प्रिन का जो है और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, लाइक एस्प्रिन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस फीवर, लाइक सो वी कैन कॉल इट एज एंटीपायरेटिक। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट प्लेटलेट कॉगुलेशन, मतलब ब्लड को ये थिन कर देगा, एस्प्रिन जो है ब्लड की विस्कोसिटी डाउन कर देगा। तो ये हार्ट ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन एस्प्रिन फाइंड्स यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब एस्प्रिन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने ऑब्जर्व किया इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा और ये एस्टर फॉर्मेशन में भी इंक्लूड होगा, सो एस्टर टेस्ट भी शो करेगा। और साथ में यहाँ पे एक जो है एसिटॉक्सिक ग्रुप प्रेजेंट, एसिटॉक्सिक ग्रुप प्लेस्ड है
और ओवरऑल एस्प्रिन एक स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें ऑर्थो इफेक्ट हम स्टडी करते हैं, सो स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। और कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे जिसमें हमें किसी एक वेल नोन कंपाउंड का आईपैक नेम जो है वो पूछा जा सकता है, और जो जनरल रूल्स होते हैं उन्हीं से होता है, लेकिन वो उतने रूल्स की जो है प्रैक्टिस नहीं होती है, बड़े सिंपल कंपाउंड्स में हम रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो जस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एग्जाम हो सकता है कि हम उन रूल्स को रिकॉल नहीं कर पाएँ। तो ये बेसिकली टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, एक एस्टर ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये एस्टर ग्रुप जो है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका प्रीफिक्स हम यूज कर लेंगे। सो इट इज टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज द सिस्टमेटिक नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्प्रिन, और ये इसके अंदर जो वेरियस फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है वो आप चेक कर सकते हो। एस्प्रिन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। आप जानते हो कि हमने ये जो सैलिसिलिक एसिड ले लिया और सैलिसिलिक एसिड जो है वो कॉलबेज रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सो कॉलबेज स्मिथ रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड बन गया, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो OH ग्रुप है वो एसिटॉक्सिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और ये एस्प्रिन का प्रिपरेशन हो गया है। पैरासिटामोल का प्रिपरेशन वैसे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, बड़ा सिंपल सा है, तो ये हम देख लेते हैं कि ये पैरासिटामोल है, इसके अंदर एक फिनोलिक OH ग्रुप हमें नजर आ रहा है, सो इट रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, बाकी इसके अंदर एक अमाइड ग्रुप है। प्रिपरेशन ऑफ पैरासिटामोल अगर देखेंगे तो अलग अलग तरीके से पैरासिटामोल को प्रिपेयर किया जा सकता है। पहला तरीका ये हो गया कि हम फिनॉल को फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में यूज करेंगे और पैरा डेरिवेटिव का जनरेट करेंगे, तो ये पैरा एसाइल फिनॉल हो गया हमारे पास में। अब इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ऑक्साइम ये जो है ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस ऑक्साइम को किसी एसिडिक सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में लेकर के आएंगे तो इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप है माइग्रेट कर सकता है OH के साथ में, या फिर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर सकता है, दो प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो फिनाइल ग्रुप के शिफ्टिंग से होता है। दो अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स में ये रिएक्शन होती है ऑक्साइम्स के अंदर, यू नो वेरी वेल कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, तो ये स्टीरियो जो है स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर स्टीरियो सेलेक्टिव भी होगी ये, तो स्टीरियो सेलेक्टिव के अंदर जो एंटी आइसोमर है उससे कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, सिन आइसोमर जो है उससे कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आप अपना जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिएगा तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरा एम है जस्ट आपको ये आइडिया देने का, नॉट टू डिस्कस दी बैकमैन रीअरेंजमेंट। दूसरा तरीका है पैरासिटामोल को प्रिपेयर करने का कि हम पैरा अमीनो फिनॉल ले लेते हैं और इस पैरा अमीनो फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। देखिए हो सकता है कि पैरासिटामोल एज सच जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन इस प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास में OH ग्रुप है वो भी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है और जो NH2 ग्रुप है वो भी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। जो NH2 है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो उसका अटैक जो है न्यूक्लियोफिलिक एसाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा होगा। तो अब इस कंपाउंड के अंदर देखिए अगर ये पैरा अमीनो फिनॉल है इसको एक इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिटाइलेशन हो जाएगा एनिलीन ग्रुप का, NH2 ग्रुप को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं इस रिएक्शन को, तो ये वही वाली रिएक्शन है। तो पैरा एसिटाइल अमीनो फिनॉल बन गया है ये पैरासिटामोल कंपाउंड। अब हम देख लेते हैं कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो है वो किस टाइप के होते हैं। तो ड्रग दैट इन स्मॉल डोजेस डल्स द सेंसेस, रिलीव पेन एंड ब्रिंग्स ऑन स्लीप, तो ये एक फेवरेबल इफेक्ट है। लेकिन इसी सब्सटेंस को अगर हम लार्जर क्वांटिटी में अगर लेते हैं, लार्जर डोजेस की फॉर्म में लेते हैं तो डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, और ये जो डेंजरस इफेक्ट है वो मे लीड टू द डेथ इन सम केसेस। एडिक्शन तो क्रिएट करेगा ही करेगा। सो ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन, सो इट इंक्लूड्स मॉर्फिन दैट आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड अदर इंक्लूड हेरोइन दैट आर यूज्ड इलीगली एंड दैट ऑफन कॉजेज एडिक्शन। सो मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन मेडिसिनल डोजेस रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप, इन पॉइजनस डोजेस दीज प्रोड्यूस कोमा कन्वुल्जंस एंड अल्टीमेटली डेथ। Morphine narcotics are sometimes referred to as opiates because these are obtained from the opium poppy. These analgesics are cheaply used for the relief of post-operative pain, cardiac pain and pains of terminal cancer.
सीवियर टाइप का पेन होता है उसके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। नॉर्मल पेन के अंदर इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो पेन तो रिलीव हो जाएगा, लेकिन एक एडिक्टिव इफेक्ट जो है वो भी डेवलप हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा हमें। कुछ समय बाद में हमें पेन नहीं भी होगा तो भी हमारी बॉडी डिमांड करेगी इस टाइप के ड्रग्स की, तो इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। ये एक मॉर्फिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो एग्जामिनर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो देखिए, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एक फिनोलिक ओएच ग्रुप है और एक नॉर्मल एलाइलिक ओएच ग्रुप है। तो ये मॉर्फिन का मॉलिक्यूल हो गया। ये जो भी मैंने ऑब्जर्व किया उसको अगेन वापस से यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, जो फिनोलिक ओएच ग्रुप है उसके लिए जो हमारा टेस्ट होगा वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट हो जाएगा, और जो नॉर्मल हमारे पास में नॉन फिनोलिक ओएच ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ओएच ग्रुप है, वो एक एलाइलिक ओएच टाइप का है। तो इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जो हम करते हैं किसी एल्कोहलिक ओएच ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए वो हो सकता है। एस्टर टेस्ट में भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है, एस्टर फॉर्मेशन में ये रिजल्ट हो सकता है, और बेयर टेस्ट में भी ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। अनसेचुरेशन है इसके अंदर, तो ये बेयर्स टेस्ट में भी यूज हो जाएगा। अब ये एक हमें कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मॉर्फिन में नंबर ऑफ रिंग्स कितना है, एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है, तो काउंट करिए, देखिए कितनी रिंग्स आपको नजर आ रही होगी। यस, ये एक पेंटासाइक्लिक कंपाउंड है, 5 रिंग्स इन मॉर्फिन के अंदर हो गई। ये आपको ए बी सी डी और ई जो है आपको 5 रिंग्स दिखाई दे रही होगी। नाउ जो अदर होमोलॉग्स हैं मॉर्फिन के, उसमें एक कॉडेन है और एक हेरोइन है, तो ये हम देख लेते हैं कि इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये मॉर्फिन के अंदर जो फिनोलिक ओएच ग्रुप है इसको हम इजीली जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वही जैसे फिनॉल को हम फिनाइल ईथर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। फिनॉल को अगर आप डाइएजो मीथेन के साथ रिएक्ट करा देते हो CH2N2 के साथ में, तो ओएच बिकम OCH3। तो ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉर्फिन को अगर हम CH2N2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ BF3, what will happen? Codeine will produce. तो ये मोनोमिथॉक्सी टाइप का हो जाएगा। अब ये जो एल्कोहलिक OH ग्रुप है वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है जितना फिनोलिक OH ग्रुप है, इसलिए रिएक्शन मेनली फिनोलिक OH ग्रुप के साथ ही होगी। तो यहाँ पे जो एक रिएक्शन है इसमें ये एक क्वार्टनरी अमोनियम कैटाइन है और इथोक्साइड आयन है, तो इथोक्साइड आयन तो बेस का काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल फिनोक्साइड बनेगा, और वो क्वार्टनरी अमोनियम के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है उस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करके ये मिथॉक्सी डेरिवेटिव इसका बन जाएगा। तो ये कोडेन जो है एक एडिक्टिव नार्कोटिक्स टाइप का हो गया। नाउ इस मॉर्फिन को अगर हम एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो फिनोलिक ओएच ग्रुप भी एसिटाइलेशन में पार्टिसिपेट करता है और एल्कोहलिक ओएच ग्रुप जो है वो भी एसिटाइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ओएच ग्रुप डिटरमाइन करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो एक टेक्निक होती है हमारे पास में एसिटाइलेशन करते हैं, उसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फिन को एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो हेरोइन बनेगा। ये भी एक मतलब इलीगल ड्रग्स की फॉर्म में यूज होता है। तो अगेन कंपेयर कर लीजिए, देखिए इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को, सिमिलरिटी नजर आएगी। फर्स्ट मॉर्फिन है, फिर हेरोइन है और फिर कोडेन है। हेरोइन जो है वो डाइएसिटाइल डेरिवेटिव है, कोडेन जो है वो मोनोमिथॉक्सी डेरिवेटिव टाइप का आ गया हमारे पास में। तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आप वहां से और चेक कर सकते हैं उसके अंदर क्या है। तो अगेन वापस से देखिए कि ये जो हमारे पास में हेरोइन है वो डाइएसिटाइल डेरिवेटिव है, और ये जब रिएक्शन होगी तो उसमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो कि ये जो हमारे पास में हेरोइन मॉर्फिन के अंदर जो है स्टीरियो केमिस्ट्री OH की क्या है, ठीक है। ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे पास में मॉर्फिन है उसमें कितने काइरल कार्बन एटम है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 काइरल कार्बन एटम मुझे नजर आ रहे हैं। ये हमारा कोडेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल्स जो है वो क्या होते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो एक्टिविटीज होती है उनको मिनिमाइज करने का काम करते हैं। सो डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मे बी कॉज्ड बाई ए वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड अदर पैथोजन्स। तो ये सब जो है वो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स है।
Now, antimicrobial basically tends to destroy or prevent development or in some cases inhibit the pathogenic action of these microbes. So, antimicrobials basically prevent or inhibit the pathogenic action of microbes. Bacteria ka jo action hai usko inhibit karne ke liye hum antibacterial drugs use karenge. Fungi ke action ko inhibit karne ke liye hum antifungal agents use karenge. Aur ye virus ke action ko inhibit karne ke liye hum antiviral agents use karenge. Aur jo other parasites hai unke effects ko inhibit karne ke liye antiparasitic drugs jo hai wo use karenge. To ye selectively is type se hote hain. To ab antimicrobials mein kya kya aayenge? जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं वो एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं ये एंटीमाइक्रोबियल्स हैं. सो एंटीमाइक्रोबियल्स के अंदर बेसिकली तीन कैटेगरीज होंगी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर एंटीमाइक्रोबियल्स ड्रग्स. तो एंटीबायोटिक्स को देखते हैं कि सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. देखिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो टॉक्सिक्स होंगे, लेकिन इनकी जो टॉक्सिसिटी है ह्यूमन और एनिमल्स के लिए कम होती है, माइक्रोब्स के लिए इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, है ना. देखिए माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं, स्मॉल जो है बेसिकली लिविंग पार्ट्स हैं, तो इनके लिए जो एक एंटीबायोटिक की जो डोज होगी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगी. ह्यूमन बींग्स के लिए वही डोज जो है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करे, थोड़ा बहुत टॉक्सिक इफेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन जो मेरे पास में ये हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उन पर इसका टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा होगा. सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. इनिशियली एंटीबायोटिक्स वर क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई कर दिया एज ए एंटीबायोटिक्स. तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो सकता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कोई मोल्ड हो सकता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दीज एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेज दैट ऑब्टेन और प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बट नाउ डेज वी हैव स्लाइटली चेंज्ड दिस डेफिनेशन. सो In present view, we can say a substance produced wholly or partly by chemical synthesis, completely chemical synthesis से जो substance produce हो रहा है, या उसको किसी हमने micro organism से extract किया और उसमें कुछ chemical modifications कर दिया. So an antibiotic now refers to a substance produced wholly or partly by chemical synthesis, which in low concentration inhibits the growth or destroy microorganisms by intervening in their metabolic processes. Low concentration, तो इसलिए कहा जाता है antibiotics कम लेने चाहिए. So एक important general जो है well known basically bacteriologist थे Paul Ehrlich. इन्होंने सबसे पहले जो है वो एक antibiotics का extraction किया था, developed the medicine arsphenamine known as salvarsan for treatment of disease syphilis. तो ये जो आर्सफेनामीन है जिसको हम साल्वरेसन भी कह सकते हैं, सो इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स, इट्स इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया स्पायरोचेट विच कॉजेस सिफिलिस इज मच ग्रेटर देन ऑन ह्यूमन बींग. ये जो साल्वरेसन है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन ह्यूमन बींग पर इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम है, टॉक्सिसिटी है लेकिन कम है, ठीक है. लेकिन जो बैक्टीरिया है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस स्पायरोचेट, इस पर इसका टॉक्सिक इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. तो बैक्टीरिया बेसिकली एक टाइनी सब्सटेंसेज है, है ना, 1 mg की डोज इसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू होगी, है ना, और ह्यूमन बींग के लिए 1 mg की डोज जो है वो स्मॉल वैल्यू होगी. तो उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है साल्वरासन का, एक आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है, वो नेम से ही आपको पता लग रहा है, आर्सफेनामीन. अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर एक हमारे पास में NH2 ग्रुप है, अमीनो NH2 ग्रुप, ये सो बेसिकली एरोमेटिक अमीनो टाइप का ग्रुप है. तो उसमें कार्बिल अमीन टेस्ट तो होगा ही होगा, वो किसी भी अमीन में एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में ही हो सकता है, और साथ साथ में एजोडाई टेस्ट होगा यहाँ पे. और फिनोलिक OH ग्रुप जो है वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करेगा, और थैलिन डाई टेस्ट में भी ये पार्टिसिपेट करेगा. तो थैलिन डाई टेस्ट भी फिनोलिक OH ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं,
और न्यूट्रल एफ ई सी एल थ्री जो होता है वो भी फिनोलिक ओएच ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और साथ में यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो साल्वरासन है वो एक आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ये तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके अलावा और कौन स्पेशल एटम है, तो वो कुछ में सल्फर मिला जैसे हमें, और यहाँ पे ये साल्वरासन के अंदर जो है हमें ये आ गया। सो ये जो हमारे जो जर्मन बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, इन्होंने बेसिकली क्या किया, एक बॉटनिस्ट सर बेसिकली, आर लिस्ट नोटेड दैट देर इज अ सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ साल्वरासन एंड एजोडाइज। तो ये एजोडाइज का स्ट्रक्चर और साल्वरासन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो सेम ही टाइप का होता है। तो ये जो हमारा एलिस्ट है, इनका ऑब्जर्वेशन था कि इनका स्ट्रक्चर सेम है, तो इसका मतलब फिर उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया, क्या हम कुछ ऐसे एजो कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स की तरह यूज कर सकते हैं। सो एलिस्ट बिगन टू सर्च फॉर द कंपाउंड्स विच रिजेंबल इन स्ट्रक्चर टू एजोडाइज एंड सेलेक्टिवली बाइंड्स टू बैक्टीरिया। सो अल्टीमेटली सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट प्रोंटोसिल which resembles in structure to the compound salvarsan। तो ये हमारे पास में prontosil का structure है। salvarsan के अंदर AS double bond AS था, वहाँ पे N double bond N आ गया, बाकी ये NH2 group वगैरह आ गया। तो आप compare कर सकते हैं कि वहाँ पे भी एक amine aromatic amine group है, यहाँ पे भी aromatic amine group है। salvarsan के अंदर एक phenolic OH है, इसमें phenolic OH नहीं है, sulfonamide type का groups लगा हुआ है। तो ये just जो action होगा मेरे हिसाब से वो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और AS डबल बॉन्ड AS की वजह से सिमिलरिटी इसके अंदर आ गई, और बेंजीन रिंग से जो NH2 ग्रुप अटैच्ड है उसके बेसिस पे। सो आर्सफिनामीन, आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड, साल्वरासन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, तो ये बेसिकली एक फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। सो कार्बिलामीन टेस्ट शो करेगा, एजोडाई टेस्ट शो करेगा प्रोटोनसिल, प्रोंटोसिल। सो इन दी बॉडी प्रोंटोसिल इज कन्वर्टेड टू ए कंपाउंड कॉल्ड सल्फेनिलामाइड विच इज द रियल कंपाउंड। ये जो सल्फा ड्रग्स होते हैं, इन सल्फा ड्रग्स के अंदर बेसिकली जो एक्चुअल कंपाउंड है वो सल्फेनिलामाइड है, मतलब एक सल्फोनिक ग्रुप और एनिलामाइड ग्रुप जो होगा उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो प्रोटोनसिल बेसिकली बॉडी के अंदर हाइड्रोलाइज होकर के, रिड्यूस होकर के कुछ एक्टिविटी होगी, उससे सल्फा एनिलामाइड में कन्वर्ट होगा, एंड दिस सल्फा एनिलामाइड इज द रियल एक्टिव कंपाउंड इन्वॉल्व इन ड्रग एक्शन। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है सल्फा एनिलामाइड का। जो हमारे पास में पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है उसका अमाइड हमें बना लेना है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अमाइड बना लेना है। तो ये सल्फा एनिलीन जो है बेसिकली एनिलीन सल्फोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। सो ये बॉडी के अंदर क्या होगा, जो प्रोंटोसिल है इसका रिडक्शन होगा और ये ट्राई अमीनो बेंजीन और सल्फा एनिलामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए सल्फा एनिलामाइड प्रोड्यूस हो गया प्रोंटोसिल से। सो यहां से फिर जो है सल्फा ड्रग्स की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई है और बहुत सारा जो है सल्फा ड्रग्स पे वर्क हुआ। सो लार्ज रेंज ऑफ सल्फानामाइड सल्फोनामाइड एनालॉग्स वाज सिंथेसाइज्ड। सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इज सल्फा पाइरिडीन। तो सल्फा पाइरिडीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। तो जो हमारे पास में पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो अमाइड है उसका जो NH2 है सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साइड में सल्फेनामाइड ग्रुप में, उसके एक हाइड्रोजन को हटा करके पाइरिडीन हम अटैच कर देंगे सेकेंड पोजिशन से, तो ये जो है सल्फा पाइरिडीन बन जाएगा। तो देखिए सल्फा पाइरिडीन के अंदर जो है एक NH2 ग्रुप है, तो ये हमारे पास में कार्बिलामिन टेस्ट शो करेगा, एजोडाई टेस्ट शो करेगा और इसमें साथ में पाइरिडीन रिंग है। तो देखिए एक आप एक सिमिलरिटी डेवलप कर सकते हो, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दिखाई देगा जिसमें एक पाइरिडीन टाइप की रिंग होगी। रियल रिवोल्यूशन इन एंटी बैक्टीरियल थेरेपी बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 ऑफ द एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलियम फंगस है, इस फंगस से एक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसकी डिस्कवरी से जो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज एंटी बैक्टीरियल थेरेपी पे बहुत हो गया। ये इस टाइप का जैसे लाइम है, लेमन, उस लेमन पे ये जब फंगस डेवलप हो जाती है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस फंगस से हम ये एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज द पेनिसिलिन। सो अब ये जो हमारे पास में एंटीबायोटिक्स हैं, इनकी दो टाइप की एक्टिविटीज होती है। एंटीबायोटिक्स हैव आइदर साइडल मतलब किलिंग
इफेक्ट, साइडल इफेक्ट और किलिंग इफेक्ट, और स्टैटिक मींस इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है या तो इनहिबिट कर देगा और या फिर माइक्रोब्स को कम्प्लीटली जो है वो खत्म ही कर देगा, सुसाइडल। तो साइडल दैट इज किलिंग इफेक्ट और स्टैटिक दैट इज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। तो ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स है इनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरियसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। सो बैक्टीरियसाइडल जो होगा वो किलिंग इफेक्ट होगा और बैक्टीरियोस्टैटिक जो होगा वो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। तो ये नेम से हम नहीं बता सकते हैं, ये जस्ट आप लर्न करना होगा इसको। पेनिसिलिन एक बैक्टीरियसाइडल है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एक बैक्टीरियसाइडल है, और ऑफ्लोक्सिन जो है ऑफ्लोक्सिन एक बैक्टीरियल साइड है। बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरएम्फिनिकॉल ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये लर्न करिएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा बैक्टीरियोसाइडल है और कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है, ये जैसे एक टेबल मैंने बनाई है ऐसे आप टेबल बना करके अपने पास रख सकते हो, दिन में 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा सब चीजें। ये जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है पेनिसिलिन का। तो अभी रिसेंटली भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर्स को आप नोटिस करिए कि इसके अंदर एक 4-मेंबर रिंग है हैविंग अमाइड ग्रुप, एक 5-मेंबर रिंग है हैविंग सल्फर। तो देखिए सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी 2-3 आ गए आपके पास में। तो ये इस टाइप से जो है आपको लर्न करना है कि कौन सा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स भी इसके अंदर आ गया है। ठीक है, एक आईबुप्रोफेन था कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्प्रिन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, पेनिसिलिन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे नोटिस की है, अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, एक इसके अंदर जो है हमारा अमाइड ग्रुप है, 2 अमाइड ग्रुप है बेसिकली, एक रिंग 4-मेंबर रिंग के अंदर और एक साइड चेन के अंदर है। साइड चेन के अंदर जो अमाइड ग्रुप है उसके अंदर एक वेरिएबल पार्ट भी है आर। अलग अलग स्ट्रक्चर होने से ये अलग अलग डेरिवेटिव जो है पेनिसिलिन के होंगे, और इसके अंदर एक साइक्लोबीटा लेक्टम रिंग भी होगी। जो हमारे पास में साइक्लिक अमाइड्स होते हैं वी कॉल देम एज लेक्टम, तो वो गामा लेक्टम हो सकता है, कैप्रोलेक्टम जैसे होता है। ठीक है, और ये बीटा लेक्टम है, और इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी है। लिटमस टेस्ट शो करेगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट शो कर सकता है। ये एस्टर टेस्ट जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें एक जेमिनल डाई सब्सिट्यूएंट भी है। और हमें ये भी कहा जा सकता है कि एस्पिरिन के अंदर कितने कायरल कार्बन एटम है, कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर में ये हमारा नाइट्रोजन भी आ सकता है, लेकिन इसका लॉन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में, तो जस्ट फॉरगेट दैट। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो 1, 2 और 3 कायरल कार्बन एटम हमें नजर आ रहे हैं इस पेनिसिलिन के अंदर जनरल स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट अगर हमारे पास में ये फिनाइल ग्रुप अगर होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, फिनॉक्सी ग्रुप होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। तो ये वेरिएबल पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, अकॉर्डिंगली पेनिसिलिन को हम वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास में पेनिसिलिन जी जो है, पेनिसिलिन जी के अंदर देखिए वेरिएबल पार्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो गया। ये एमोक्सिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन के अंदर देखिए ये जो पेनिसिलिन जी है उसके अंदर एक फिनोलिक OH ग्रुप ऐड हो गया है। तो ये जो है न्यूट्रल एफिसियल 3 टेस्ट शो कर सकता है, ये कार्बेलामिन टेस्ट जो है वो शो कर सकता है, और ये क्लोरा एम्फेनिकॉल एक हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। इसके अंदर हमें एक ये नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके अंदर ये एक एल्कोहलिक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो सकता है। इसके अंदर एक और प्राइमरी एल्कोहलिक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें एस्टर टेस्ट भी हो सकता है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो ये आ सकता है, एस्टर रिड्यूस हो सकता है। इसके अंदर एक जेमिनल डाइक्लोरो ग्रुप भी हमें नजर आ रहा है। तो ये इस टाइप से हमें ऑब्जर्व करना है कि इस कंपाउंड के अंदर कोई अगर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हम करेंगे तो क्या किस टाइप से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो ये आपको एक लिस्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंग, किसके अंदर न्यूट्रल एफिसियल 3 टेस्ट होता है, किसमें ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट होता है, किसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है। सो रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर अफेक्टेड बाई अ सर्टेन एंटीबायोटिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। तो ये जो हमारे पास में एंटीबायोटिक्स है ये किन किन बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा, किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, उसको हम बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन में क्लासीफाई करते हैं।
सो ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो सकता है या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के ये हमारे पास में आ जाते हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, बेसिकली दीज एंटीबायोटिक्स किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इनको अगर इनहिबिट कर सकते हैं इनकी एक्टिविटी को या किल कर सकते हैं, तो इस टाइप की एंटीबायोटिक्स को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहेंगे। एम्फिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन आर सिंथेटिक सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन एंड दीज हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्लोरएम्फिनिकॉल इज ऑल्सो ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और वेंकोमाइसिन एंड ऑफ्लोक्सासिन आर अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ज्यादातर जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ही नजर आ रही है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को अगर हम देखेंगे तो दोज इफेक्टिवली दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, नॉट बोथ। सो दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, नॉट बोथ, देन वी कॉल देम एज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलिन जी जो है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये किसी एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया के लिए ही अगेंस्ट होगा। सो इफ एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज, दे आर रेफर्ड टू एज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये हमारे पास में जो है एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी खत्म हो गई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट होगा हमारे पास में। सो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल्स विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज सच एज वुंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज्ड स्किन सर्फेसेस। फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन आर well known antiseptics. These are not ingested like antibiotics. Commonly used antiseptic Dettol is a mixture of chloroxylenol and terpineol. तो ये हमारे पास में इन दोनों के structures हैं, chloroxylenol and terpineol. तो इनको structures को आप देखिए, तो जो chloroxylenol है तो ये basically जो xylene है उसका एक phenolic chloro derivative है। कौन सा जाइलीन है? मेटाजाइलीन। उसके दोनों सी एस थ्री के बीच में एक सी एल आ गया और सी एल की पैरा पोजिशन पे जो है वो ओ एच आ गया, तो ये क्लोरोजाइलिनॉल है। इसके नेम से पता लग रहा है जाइलीन टाइप का ओ एच ग्रुप इसमें लगा हुआ है, फिनोलिक ओ एच ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, तो इसमें न्यूट्रल एफ सी एल थ्री टेस्ट हो सकता है। और जो टर्पिनियॉल अगर है इसको अगर देखेंगे तो इसमें अनसेचुरेशन है तो बियर्स टेस्ट इसमें आएगा, और इसमें एक टर्शरी एल्कोहलिक ओएच ग्रुप है तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेस टेस्ट हो सकता है, ल्यूकास टेस्ट हो सकता है, और इसके अंदर एस्टर टेस्ट भी हो सकता है। बायथायोनल एक कंपाउंड है, ऑल्सो कॉल्ड एज बायथायोनॉल इज ए कंपाउंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायथायोनल इज एडेड टू सोप्स टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो अगेन देखिए, एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड आ गया आपके पास में, तो बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर के अंदर आ रहा है। ये भी फिनोलिक ओएच ग्रुप है तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट इसके अंदर हम देख सकते हैं। सो बाई थायोनल, इसके नेम से भी पता लग रहा है, थायो का मतलब इसमें सल्फर होगा, ऑल का मतलब ओएच ग्रुप होगा और बेंजीन रिंग्स अटैच्ड है। तो ये ऐसे एक एक्टिविटी आपको करनी है सो दैट यू कैन रिमेंबर। आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक, इट्स 2-3% सॉल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सो इट इज मेनली अप्लाइड ऑन वुंड्स। आयोडोफेम इज ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये जो बेसिकली हम मार्केट में देखते हैं आयोडीन टिंक्चर, वो इस टाइप का है, और ये आयोडोफॉर्म जो है हम देख सकते हैं किस फॉर्म में मिलता है हमें। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आईज। आई लोशन के अंदर मेनली बोरिक एसिड जो रहता है डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन के अंदर होता है। बोरिक एसिड के बहुत सारे यूजेज होते हैं, कोई एक यूज नहीं है। बोरिक एसिड एक वेल नोन कंपाउंड है, तो ये जस्ट अगर आप देखेंगे तो ये वेरियस यूजेज में, जैसे देखिए कि बोरिक एसिड फाइबर ग्लास में यूज होता है, बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक है, आई लोशन के अंदर यूज होता है। बोरिक एसिड जो है वो एक टाइप का ये इंसेक्टिसाइडल सब्सटेंस है, इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए बोरिक एसिड हम यूज करते हैं। बोरिक एसिड जो है वो लुब्रिकेशन एक्शन प्रोड्यूस करता है, कैरम पाउडर, डिस्को पाउडर जो होता है वो बोरिक एसिड ही होता है।
न्यूक्लियर पावर के अंदर भी बोरिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये जस्ट एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया. डिसइंफेक्टेंट्स को अगर हम देखते हैं तो डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. सो सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेयरिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा तो एंटीसेप्टिक होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में होगा तो डिसइंफेक्टेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक बट 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट. क्लोरीन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वा सोल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट. तो जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं टू मेक इट डिसइंफेक्टेंट. अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारी कैटेगरी है वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को हम देख लेते हैं. बर्थ कंट्रोल अगर हमें करना है, प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तो हमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को यूज करना होगा. सो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर ऑफ यूज इन फैमिली प्लानिंग. सो बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स. बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन्स. ये पूछ सकते हैं कि ये जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है ये क्या है, ये हार्मोन्स है बेसिकली. बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन सप्रेसेस ओव्यूलेशन. ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक मिथाइल कीटोन टाइप का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है. इसके अंदर एक अनसेचुरेटेड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो सारे कीटोनिक कंपाउंड्स की ये रिएक्शन शो करेगा और उसमें 2,4-DNP टेस्ट शो करेगा, बेयर्स टेस्ट भी ये शो करेगा. तो ये इस टाइप से आपको इसका स्ट्रक्चर जो चेक करना है. ये एस्ट्रोजन का जो है केमिकल फॉर्मूला है. ये एक फिनोलिक कंपाउंड है, तो एस्ट्रोजन एक फिनोलिक कंपाउंड है और प्रोगेस्टेरॉन जो है वो एक कीटोनिक कंपाउंड है. दोनों के अंदर जो है 1,2,3,4 रिंग है, 1,2,3,4 रिंग है. स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा चेंजेस नहीं है. अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो नॉर्थिंड्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक प्रोगेस्टेरॉन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग. ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नॉर्थिंड्रॉन का है. तो देखिए अगेन वापस से आप चेक करिए कि जो प्रोगेस्टेरॉन है उसका स्ट्रक्चर क्या था. तो प्रोगेस्टेरॉन के अंदर जो बिल्कुल 5 मेंबर रिंग है वहां पर एक मिथाइल कीटोन टाइप का ग्रुप लगा हुआ है, COCH3 टाइप का ग्रुप लगा हुआ है ना. और ये जो हमारे पास में नॉर्थिंड्रॉन है इसके अंदर देखिए वहीं पर वो ग्रुप नहीं है. अब एक एल्काइन ग्रुप जो है, इथेनाइल ग्रुप अटैच हो गया और OH ग्रुप अटैच हो गया और एक CH3 जो है वो कम हो गया. मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज को नोटिस करना हमें. तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको तो प्लीज आप लर्न कर लीजिएगा. तो इसमें सबसे पहले देखिए कि ये जो 6-membered रिंग के अंदर जो सी डबल बॉन्ड है ये 2,4-DNP टेस्ट शो करेगा, 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ. नॉर्थिंड्रॉन को अगर हम ट्रीट करेंगे तो येलो और ऑरेंज येलो कलर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा 2,4-dinitrophenyl hydrazone derivatives के टाइप. ये जो 2,4-DNP है also called as Brady's reagent और Bohr's reagent, same ही reagent है, अलग अलग name है इसका. तो एक तो ये हो गया. फिर यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो सकता है या बेयर्स रिएजेंट टेस्ट हो सकता है ये. नाउ जो OH ग्रुप है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो सकता है, ल्यूकास टेस्ट हो सकता है, एस्टर टेस्ट भी OH ग्रुप के लिए हम यूज कर सकते हैं. और ये जो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा अनसेचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए, और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी होगा अनसेचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए, और ये प्रेसिपिटेट देगा टॉलेंस टेस्ट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ. तो प्रेसिपिटेट विथ टॉलेंस रिएजेंट. सो ऑल टर्मिनल एल्काइन व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट. ऑल टर्मिनल एल्काइन व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड प्रोड्यूस रेड कलर प्रेसिपिटेट. तो ये यहाँ पे जो है, तो इसका जो नेम है इसमें मुझे कुछ सिमिलरिटी नजर आई. ये ऑन जो दिख रहा है नॉर्थिंड्रॉन ऑन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कीटोनिक ग्रुप. द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद प्रोगेस्टेरॉन डेरिवेटिव इज इथिनाइल एस्ट्राडायोल. तो ये नोवेस्ट्रॉल इसका एक ट्रेड नेम है. केमिकली ये कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो ये इथिनाइल एस्ट्राडायोल है. इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा एस्ट्रेजॉन था उसका एक डेरिवेटिव टाइप का है.
तो इसके अंदर ये जो इथिनाइल एस्ट्राडायोल जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे, जिसमें एक फिनोलिक ओएच ग्रुप दिखाई दे रहा है, सो न्यूट्रल एफिसियल थ्री टेस्ट शो करेगा। इसके अंदर एक ओएच ग्रुप दिखाई दे रहा है वही जो उसके अंदर था नॉर्थ सिंड्रोन के अंदर, ठीक है, तो ये कैन टेस्ट शो करेगा, ल्यूकास टेस्ट शो करेगा, एस्टर टेस्ट शो करेगा, और ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके नेम में इथिनाइल इंडिकेट कर रहा है टर्मिनल एल्काइन ग्रुप है, और ये डायोल इंडिकेट कर रहा है कि दो ओएच ग्रुप है, एक एल्कोहलिक ओएच ग्रुप है और एक फिनोलिक ओएच ग्रुप है। तो ये इस टाइप से जो है हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।